हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल. आई एम वैशाली सिंगल. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई ऑल्सो हैव क्लियर्ड UGC NET एंड JRF एग्ज़ाम. सो टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास 12th. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन क्लास 12th फ्लेमिंगो Poetry Chapter 1, My Mother at 66, which is written by Kamala Das. Here is about Kamala Das. Kamala Das started her career as a poet writing under the name of Madhavi Kutty. The renowned Indian author was bilingual and wrote in her mother tongue, Malayalam, as well as in English. Kamala's first book of poetry, Summer in Calcutta, her second book of poetry, The Descendants, Dance of Enuges, A Request, etc. are her some famous poems. My Mother at 66. My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. तो यहाँ पे जब पोइटेस जो कवित्री हैं वो अपने माँ के घर रहने आई हुई थी और जब वो वापस जाती हैं, गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जा रही होती हैं वो, तो गाड़ी चलाते टाइम वो पीछे अपनी माँ को बैठे हुए देखती हैं. उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, वो शॉर्ट स्लीप ले रही हैं एक, और उनका फेस बहुत बेरंग सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बॉडी एकदम डेड बॉडी टाइप सी लग रही है, जो बहुत पेन में है. माई मदर एट 66, जब वो 66 एज की थी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर कोचीन जाते हुए लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा जो गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी, बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ्ड, हर फेस, यानी कि एक शॉर्ट स्लीप ले रही थी वो, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट, उनका फेस बहुत बेरंग सा लग रहा था, ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनकी बॉडी एक डेड बॉडी टाइप सी लग रही थी, जो बहुत दुख दर्द में हो. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड. तो यहाँ पे पोइटेस कहती हैं, वो कहती हैं कि उनकी जो माँ हैं वो जितनी ओल्ड हैं उतनी ही ओल्ड दिख रही हैं, मतलब वो 66 एज की हैं तो वो उतनी ही ओल्ड दिख रही हैं. उन्हें इस बात का दुख है पोइटेस को, पर वो अपने नेगेटिव फीलिंग्स को इन सब को अलग रखती हैं और बाहर खिड़की से बाहर झांकती हैं. अपनी ड्राइविंग करते हुए वो बाहर देखती हैं तो बाहर उन्हें ट्रीज़ भागते हुए दिखाई देते हैं, यंग बच्चे दिखाई देते हैं जो खेल रहे होते हैं, अपने घर से बाहर निकल के आते हैं. फिर कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती हैं, जहाँ पे कुछ देर खड़े, जहाँ पे उनकी मदर कुछ दूर खड़ी होती है उनसे. पोइटेस दोबारा अपनी माँ को देखती हैं जो बहुत टायर्ड सी और जिनका चेहरा बहुत बेरंग सा लग रहा था, जैसे जैसे सर्दियों का, सर्दी की शाम, सर्दी का चांद होता है. सो दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो उनकी माँ उतनी ही ओल्ड थी जितनी उनकी एज थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर कवित्री ने अपना थॉट उसे दूसरी तरफ रखा और बाहर खिड़की की तरफ देखा. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर यंग ट्रीज जो जब गाड़ी चलाते हैं तो
ट्रीज भागते हुए से दिखाई देते हैं, वो देखा। द मैरी चिल्ड्रन इज प्लेइंग, बच्चों को खेलते हुए भागते हुए देखा। आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से निकल के आके खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो उनकी माँ थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। वेन पेल, वेन मतलब एलिया टायर्ड, तो वो बहुत टायर्ड सी लग रही थी और बहुत बेरंग सी जान पड़ रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जैसे कि सर्दी का चांद होता है धुंधला धुंधला सा, वैसी ओल्ड लग रही थी वो। फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोइटेस कहती हैं उनके बचपन का जो फियर है, जो उन्हें डर है कि उनकी अम्मा उनसे दूर चली जाएंगी, वो अब और ज़्यादा बढ़ता जाता है। पर इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए वो तब भी कहती हैं अम्मा सी यू सून, और वो हंसती हैं और चली जाती हैं। फैमिलियर एक यानी कि बहुत उनका दर्द जो पुराना है, माय चाइल्डहुड फियर, पोइटेस का बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर मैंने कहा इन सबको, अपने डर को कि मेरी अम्मा दूर चली जाएंगी मेरे से, वो बूढ़ी हो गई हैं, वो मर भी सकती हैं, मैं उनसे कैसे मिलूँगी, इन सब डरों को दूर रखते हुए भी वो कहती है सी यू सून, हम फिर दोबारा मिलेंगे अम्मा। और मैं मुस्कुराई। तो यहाँ पे पोइटेस ने बताया है कि उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते, अपनी माँ बेटी का जो रिश्ता होता है उसके बारे में बताया है, और वो कितना प्यार करती हैं अपनी माँ को, उन्हें खोने का कितना डर है, वो बुढ़ी हो गई हैं, 66 एज की हो गई हैं, उनके मरने का उसका डर है उन्हें कि वो छोड़ के चली जाएंगी। तो अपनी माँ से वो बहुत प्यार करती हैं और उन्हें खोना नहीं चाहती, यही इस पोयम में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। समरी देख लेते हैं। द पोएट शोज द टिपिकल लव एंड अफेक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन अ मदर डॉटर रिलेशन। द पोएट इज फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन, लीविंग हर मदर एंड गोइंग, ऑल्सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर विच शी फील्स दैट अर्लियर वॉज टेम्प्रेरी बट नाउ कुड बी फॉर एवर एज शी कुड डाई ऑफ ओल्ड एज इज हॉन्टिंग हर। तो पोइटिस कहती हैं इसमें कि इस पोयम में एक मदर डॉटर के बीच का प्यार दिखाया गया है। पोइटिस को डर है अपनी माँ से अलग होने का, अपनी माँ से बिछुड़ने का उन्हें डर है, उनका जो बचपन का डर है, चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का, जो पहले टेम्परेरी था पर अब वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज शी नो शी वुड डाई बट एज शी कुड डाई ऑफ ओल्ड एज, वो बूढ़ी हो गई हैं तो वो मर सकती हैं और वो अपनी माँ को खो सकती हैं, इसका उन्हें बहुत ज़्यादा डर है। तो इस पोयम में कमला दास ने अपनी माँ से कितना वो प्यार करती हैं और उन्हें खोने का कितना डर है, ये इसमें दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पोयम माई मदर एट 66 विच इज़ ऑफ क्लास 12। थैंक यू।